झांसी से खबर सामने आ रही, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पे कांग्रेसियन में आओ बंद। झांसी के इलाई चौराहे पे कांग्रेसियन ने विरोध प्रदर्शन करो है। मौका पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने बताओ कि देश में इस वक्त जो भी कछु हो रहा है उकेलाने भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के बारे में उन्होंने कही कि जे एक सोची समझी रणनीति के तहत करोगा है। उन्होंने कही है कि राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में जो बात कही थी वह ऊपर आज भी अटल है। उन्होंने कछु भी गलत नहीं कही, लेकिन भाजपा सरकार के इशारे पर उनके संगे उनकी सदस्यता रद्द करी गई है। जी के विरोध में हम सभी लोग पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर की जनता सड़कन पे है और हम सब राहुल गांधी के संगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कही है कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस ही झुकने वाले नहीं है। हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहे। मंत्री जी, क्या मामला है, किस लिए आज ये यहाँ प्रदर्शन हो रहा है? पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही, और तो और अभी दुनिया के अंदर लोकतंत्र का इस तरह गड़ला नहीं घोटा जाता जैसा हमारे देश के अंदर। देश के नेता राहुल गांधी 135 करोड़ लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, संसद में बोलते थे, माइक बंद कर दिया जाता था, शहर पे निकलते थे तो ईडी और सीबीआई उनके घरों में पहुंचती थी, उनको नोटिस भेजती थी। और आज जब उन्होंने जेपीसी की मांग की तो एक पुराना मुकदमा जिसमें स्टे था वो स्टे उस व्यक्ति ने वापस लिया और गुजरात मॉडल का प्रयोग देखने को मिला और उनको 2 साल की सजा दी गई। मामला क्या था? राहुल गांधी ने एक सभा में कहा था कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ललित मोदी ये चोर है। क्या ये चोर नहीं है? सिर्फ इस बात पर उनको 2 साल की सजा हुई और उसको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग ढंग से प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग सड़कों पर हैं और हम लोगों को ये विश्वास है कि न्यायालय में न्याय मिलेगा, लेकिन जनता की अदालत में आज लोग जानते हैं किस तरह अडानी ने पूरे देश की संपत्ति को लूटा और ये लाखों करोड़ रुपए लेकर नीरव, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जो भागे हैं, ये क्या इनके रिश्तेदार हैं? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना काला धन आ रहा, LIC के 80,000 करोड़ रुपए डूब गए और उस पर राहुल जी की सदस्यता रद्द करना। आज जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सब वो व्यक्तियों के चंगुल में है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। हम झांसी की रानी के लोग हैं, हम इसका संघर्ष पूरे राष्ट्रीय स्तर तक पे करेंगे। फिलहाल की खबर में इतना ही, आगे खबरें चांद बिकलाना चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ बिल्कुल ना भूलें। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता झांसी से शोएब राइन की, ऐसे खबर चांद बिकलाना बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।